हम लोग पढ़ेंगे आज चैप्टर 6 वाटर। वाटर मीन्स पानी। ए प्रेशियस लिक्विड मीन्स प्रेशियस मीन्स होता है कीमती, जो हमारे लिए क्या होता है बहुत जरूरी। तो वाटर हमारे लिए क्या है, बहुत ही कीमती लिक्विड है। वाटर इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ऑल लाइफ फ्रॉम ऑन द अर्थ। वाटर क्या है, बहुत ही जरूरी है, ठीक है। जो भी लोग क्या जो अर्थ पर रहते हैं वह उन्हें अपनी लाइफ जीने के लिए क्या जरूरी है, वाटर। इट फॉर्म्स ए मेजर पार्ट ऑफ प्लांट एंड एनिमल्स बॉडी, मतलब यह एक क्या है मेजर पार्ट। मेजर पार्ट में बहुत ही जरूरी पार्ट है किसके लिए, एनिमल्स एंड प्लांट्स के लिए। इट इज इसेंशियल फॉर देयर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। We can live without food for some time but cannot live without water for long time. Water plays an important role in our life. यह क्या होता है, यह प्लांट और एनिमल के ग्रोथ के लिए क्या होता है, बहुत ही जरूरी होता है। यदि वाटर नहीं होगा तो प्लांट और एनिमल का ग्रोथ एंड डेवलपमेंट नहीं होगा। और हम उस टाइम के लिए बिना खाना खाए क्या कर सकते हैं, रह सकते हैं, लेकिन बिना वाटर के हम उस समय भी नहीं रह सकते हैं। यह क्या करता है हमारे लाइफ में, क्या करता है, मेन रोल प्ले करता है, क्योंकि यह हमारे लिए क्या है, बहुत ही जरूरी होता है। वाटर हेल्प्स इन द डाइजेशन ऑफ फूड। वेस्ट मटेरियल प्रोड्यूस्ड इन द बॉडी आर डिसॉल्व इन वाटर एंड एक्सक्रीटेड फ्रॉम द बॉडी अस यूरिन एंड स्लीप। वाटर क्या करता है, वाटर हमारे डाइजेशन में हेल्प करता है। हम जो भी कुछ खाते हैं जब तक हम अच्छे से पानी ना पिए तो वह क्या होता है, डाइजेस्ट नहीं होता है। इसलिए यह हमारे डाइजेशन के लिए क्या है, बहुत ही जरूरी है, वह हमारे डाइजेशन में हेल्प करता है। वेस्ट मटेरियल को प्रोड्यूस तो बॉडी से क्या करता है, प्रोड्यूस करता है, बाहर निकालता है। हमारी बॉडी के अंदर जितना भी जरूरत है वह हमारी बॉडी को डेवलपमेंट करने के लिए यूज़ कर लेता है, और जितना क्या कहना चाहिए कि एक्सक्रीटेड होता है उसे वह किसके थ्रू, यूरिन और पसीने के थ्रू क्या करता है, बॉडी से बाहर निकालता है। वाटर प्रोवाइड्स होम फॉर मैनी एनिमल्स लाइक फिश, टर्टल। वाटर क्या करता है, बहुत से जो कहना चाहिए एनिमल्स को क्या करता है, होम प्रोवाइड करता है। मतलब बहुत से एनिमल्स ऐसे होते हैं जो कि पानी में ही रहते हैं, जैसे कि टर्टल, फिश, मछली, ये सभी कहाँ रहते हैं, पानी में रहते हैं। तो उन्हें क्या करता है, होम प्रोवाइड मीन्स घर प्रोवाइड करता देता है। वाटर इज रिक्वायर्ड बाय द प्लांट्स फॉर प्रिपेयरिंग देयर फूड। वाटर क्या है, वाटर एक मतलब एक रिक्वायर्ड है, मतलब एक जरूरी चीज़ है, जो कि जो प्लांट्स होते हैं उनको क्या करता है कि खाना भोजन को बनाने के लिए उनकी हेल्प करता है। यदि वाटर नहीं होगा तो प्लांट्स अपना खाना खुद नहीं बना सकते। और भी बहुत सी यूज में हम वाटर को क्या करते हैं, यूज़ करते हैं, जैसे ड्रिंकिंग, बाथिंग, वॉशिंग क्लॉथ, हम कपड़े धोने में, धुलने में, यदि हम वॉशरूम जाते हैं उसमें, कुकिंग फूड, खाना बनाने में, क्लीनिंग, साफ सफाई करने में, गार्डनिंग में, पौधों को गार्डनिंग करेंगे, यदि पौधे हम लगाते हैं तो उनको हम क्या करते हैं, पानी देते हैं। मतलब वाटर का यूज़ क्या होता है, बहुत ही जरूरी होता है। और वाटर क्या है, एक कहना चाहिए कि मेन लिक्विड है और मेन पार्ट ऑफ अवर है हमारे। मतलब यदि पानी नहीं होगा तो हम क्या, विदाउट वाटर हम क्या कर सकते हैं, रह नहीं सकते हैं। सोर्सेस ऑफ वाटर, सोर्सेस मीन्स सोर्सेस मीन्स जहाँ से हमें पानी मिलता है। सोर्सेस ऑफ वाटर, वाटर रेनफॉल इज द मेजर सोर्सेस ऑफ वाटर। रेनफॉल में जो बारिश होती है वह मेन सोर्सेस होता है। क्या होता है, जो रेनफॉल होती है वह क्या होती है, मेन सोर्सेस ऑफ वाटर, उससे हमें पानी मिलता है, वह क्या है हमारा मेजर सोर्सेस। इट कलेक्ट्स इन ओशियन, सी, रिवर, लेक एंड पॉन्ड्स। मतलब जब बारिश होती है तो वह झील में, तालाब में, समुद्र में, महासागर में, ये सभी मतलब यहाँ पे क्या होती है, कलेक्ट होती है। वी कैन नॉट यूज द वाटर ऑफ ओशियन एंड सी बिकॉज इट इज सॉल्ट। हम क्या करते हैं, हम मतलब समुद्र का पानी और सागर के पानी को हम यूज़ नहीं कर सकते, क्योंकि यह नमकीन होता है, सॉल्टी मीन्स नमकीन होता है, इसलिए हम इसका
वाटर को यूज नहीं करते, वी यूज फ्रेश वाटर फ्रॉम रिवर। हम कौन से वाटर, फ्रेश वाटर जो हमें रिवर मीन्स नदी लेक एंड पॉन्ड से मिलता है, हम उस वाटर को यूज करते हैं। क्यों? क्योंकि यह कौन सा, यह फ्रेश वाटर होता है। रेन वाटर इज ऑल्सो फाउंड अंडर द ग्राउंड। जो रेन वाटर होता है स्टोर तो होता है, लेकिन यह कहाँ चला जाता है, अंडर द ग्राउंड, ग्राउंड के नीचे जाकर जमा होता है। दिस वाटर इज कॉल्ड ग्राउंड वाटर। इस वाटर को हम क्या कहते हैं, ग्राउंड वाटर। आप लोगों ने देखा है, वी यूज ग्राउंड वाटर, हम ग्राउंड वाटर के यूज करते हैं। जैसे वी यूज वेल्स एंड हैंड पंप्स टू टेक आउट ग्राउंड वाटर। हम हैंड पंप से, कुएं से पानी का यूज करते हैं। ये सभी कौन से वाटर है, ग्राउंड वाटर। इन सम प्लेस वाटर ब्रश आउट फ्रॉम अंडर द ग्राउंड, दिस आर कॉल्ड स्प्रिंग। सम स्प्रिंग्स मे ऑल्सो बी हॉट। आप लोगों ने जैसे देखा है, किसी भी जगह पर जमीन के नीचे से क्या होता है, अंडर द, मतलब कि अंडर द ग्राउंड, जमीन के नीचे से क्या होता है, पानी निकलता है, निकलता है। बहुत सी जगह पर आप लोगों ने देखा होगा कि जमीन के अंदर से क्या होता है, पानी निकलता है, जिसे हम क्या कहते हैं, स्प्रिंग कहते हैं, स्प्रिंग। सम स्प्रिंग मे ऑल्सो बी हॉट। ओके, तो कुछ स्प्रिंग क्या होते हैं, कुछ स्प्रिंग हॉट होते हैं, मीन्स गर्म होते हैं। We also get water from snow when the snow on the top of the mountains melts, it flow down and from river. We also get, मतलब हमें बर्फ से भी क्या मिलता है, पानी मिलता है। स्नो मीन्स बर्फ, हमें बर्फ से भी पानी मिलता है। जब पहाड़ों के जो टॉप, टॉप मीन्स सबसे ऊंचा, पहाड़ों के टॉप पर जब बर्फ पिघलती है, जब माउंटेन के टॉप पर बर्फ जब होती है वो पिघलती है, तो यह कहाँ बहती है, नीचे की ओर बहती है और क्या बन जाती है, रिवर बन जाती है, नदी बन जाती है। ओके, तो आप लोग चैप्टर 6 का इतना पढ़ेंगे और आप लोगों को जो ना समझ में उससे पूछेंगे। आगे के जो कुछ टॉपिक्स हैं मैं आप लोगों को नेक्स्ट डे पढ़ाऊंगी। यहाँ आप लोगों के कुछ वर्ड मिल दिए हुए हैं, देखिए यहाँ दिया हुआ है प्रेसियस मीन्स कीमती, एसेंशियल मीन्स आवश्यक, जो हमारे लिए एसेंशियल मीन्स जरूरी होता है, एक्सक्रीटेड मीन्स निकलना, मतलब जो हमारी बॉडी से निकलता है, जैसे कि स्वीट हो गया, यूरिन, ये सभी निकलते हैं। लेक्स, झीले, पॉन्ड्स, तालाब, ओशियंस, सागर, सी, समुद्र, स्नो, बर्फ, फ्लो मीन्स बहना, एंड रिवर नदी। ये सभी वर्ड मीनिंग को आप लोग कॉपी नोट करेंगे, याद करेंगे। ओके, बाकी के जो नेक्स्ट टॉपिक है मैं आपको नेक्स्ट डे बताऊंगी।